Dear students, good afternoon. In the last class, I taught you Indian civilization and culture. It means the first stanza of Indian civilization and culture. And in that very stanza, I told you about Indian civilization and the civilization of the world. क्या देखा, दुनिया के हर एक देशों की सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई. But there is only one country, that is India, where you can find the old civilization. दुनिया के सारे देशों की सभ्यता समाप्त हो गई, विलीन हो गई, नस्त नाबूद हो गई, लेकिन सिर्फ इंडिया ही है जिसकी सभ्यता अभी भी अक्षुण है, अभी भी देखने को मिलता है. अब देखना है सेकेंड स्टेंजा में. इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इन सबों के बीच क्या हुआ, इंडिया रिमेंस इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी. इमूवेबल मीन्स स्थिर. क्या हुआ, इन सबों के बीच भारत स्थिर रहा, मतलब भारत की सभ्यता स्थिर रही. एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसका गौरव है. नहीं, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट दैट, अगेंस्ट इंडिया. इट इज अ चार्ज, चार्ज का मीनिंग होता है आरोप. इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के विरुद्ध एक आरोप है. क्या आरोप है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग यानी इसकी जनता, यहाँ के लोग, भारत के लोग इतने असभ्य, अनसिविलाइज मीन्स असभ्य, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, एंड स्टॉलिड और मंद बुद्धि के, मीन्स लोगों का आरोप है कि इंडिया के लोग इतने असभ्य, इतने अज्ञानी और मंद बुद्धि हैं, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेज. यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, मंद बुद्धि के हैं, कि उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए, किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है. यह असंभव है कि भारत के लोगों में बदलाव लाया जा सके. एंड इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन यह जो चार्ज है, यह जो आरोप लगाया गया है, यह सचमुच हमारे गुण के विरुद्ध है, हमारे गुणों के विरुद्ध है. मतलब ये जो लोग इसे उल्टा समझते हैं, उल्टा नहीं बल्कि यहाँ के लिए सही माना जाता है, सही है. एंड व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू दैट द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंज. और क्या, जिसको कि हमने, एंड व्हाट वी हैव टेस्टेड, जिसे कि हमने अनुभव किया, किस और जांचा, किस पर, निहाई पर, अनुभव की निहाई पर. निहाई क्या होता है, एनविल निहाई कहा जाता है. देखोगे लोहार के पास एक लोहे का बना होता है, जिस पर किसी भी धातु को रखकर पीट करके उसको सेब दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनविल, निहाई कहा जाता है. बहुत तो लिहाई भी बोलते हैं इसे. अनुभव के निहाई पर देखा, एंड वी डेयर नॉट चेंज. देखा तो क्या, परखा, जांच करके देखा, परखा तो पता चला कि उसमें बदलाव लाने का साहस हम नहीं कर सकते, क्योंकि यही हमारा ग्लोरी है, यही हमारे देश का गौरव है. मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत से लोग क्या करते हैं, भारत पर अपने विचारों को थोप देते हैं, लादना चाहते हैं ज़बरदस्ती. लेकिन होता क्या है, एंड सी रिमेंस स्टडी, लेकिन देखने से पता चलता है यह स्थिर रहती है, इस पर कोई अंतर नहीं पड़ता. दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी सुंदरता है. एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यह क्या है, यह उसकी आशाओं का प्रहरी का काम करता है, जो उम्मीद है उसका, उसके पहरेदार के रूप में काम करता है. इसका मतलब क्या समझा, कि दुनिया के सारे देशों की सभ्यता समाप्त हो गई, लेकिन भारत की सभ्यता अभी भी है. बाहरी लोग इंडिया के लोगों पर यह आरोप लगाते हैं कि इंडिया के लोग इतने असभ्य होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, अज्ञानी होते हैं, कुछ में कोई भी बदलाव लाना संभव नहीं है. लेकिन जो बाहर के लोग
इसे बदलाव के बारे में बोलते हैं। दरअसल यह बदलाव नहीं बल्कि क्या है, यह हमारे देश की विशेषता है, यह हमारे देश की खासियत है। अब देखना है नेक्स्ट। अब ये सब पहले बता चुके हैं, हाँ। अब ये देखना है, चार्ज मीन्स आरोप, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज, स्टडी सबको वर्ड्स भेज दिए हैं, टेस्ट जांचा, एडवाइस सलाह, एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, एनविल में कह रहे निहाई या लिहाई जिसको बोलते हैं, कंडक्ट मीन्स आचरण, अब इसमें तो ब्यूटी मीन्स सुंदरता, एंकर ट्रस्ट, इमूवेबल मीन्स स्थिर, एडॉप्ट मीन्स स्वीकार करना, पीपुल मीन्स लोग, नहीं ये सब बताया जा चुका है। अब थर्ड स्टेंजा देखना है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, वह हमारे आचरण का, वह व्यक्तित्व का, आचरण का ऐसा पैमाना है, ऐसा मापदंड है जो क्या करता है, व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, व्हिच पॉइंट्स आउट, पॉइंट आउट मतलब निर्देशित करना, दिखाना, क्या दिखाता है, व्हिच पॉइंट्स आउट द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, आदमी को उसके कर्तव्य को बताता, मीन्स जो आदमी के कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है। एंड फर्दर ही सेज आगे आगे, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी एंड आर कन्वर्टेबल टर्म्स, कर्तव्य पालन, इसका मीनिंग क्या, परफॉर्मेंस मीन्स कर्तव्य पालन, एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कर्तव्य पालन हो गया, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी आर ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ मॉरलिटी इसका मतलब हुआ नैतिक अवलोकन, यह क्या है, कर्तव्य का पालन करना और नैतिक अवलोकन, एक दूसरे में परिवर्तनीय है, एक दूसरे में बदला जाता है। इट मीन्स टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। नाउ ही सेज टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण करना, देखना मीन्स ऐसा करके, क्या अब देखना यह है कि अपने मन एवं विकार पर स्वामित्व प्राप्त करना, यानी अपने मन और विचार को अपने काबू में करना, अपने काबू में जब हो जाता है, अपने अंदर हो जाता है, तभी हम अपने अंदर नैतिकता को देख पाते हैं, मॉरलिटी को देख सकते हैं, मास्टरी ऑफ आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, तभी होगा हमारा माइंड, हमारा पैशन, इसे हम अब कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अंदर रख सकते हैं। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और यदि ऐसा करते हैं तो हम अपने आप को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, गुजराती भाषा में इसे क्या कहा जाता है, गुड कंडक्ट मीन्स अच्छा आचरण, सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, सिविलाइजेशन का गुजराती लैंग्वेज में मीनिंग होता है गुड कंडक्ट। यदि हम लोग कहें कि हम लोग सिविलाइज हैं, इसका मतलब है कि हम लोग का आचरण, व्यवहार, आचार सब कुछ अच्छा है। अब देखो एंड इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अब नेक्स्ट स्टेंजा है द फोर्थ स्टेंजा, इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, लेकिन नाउ इट इज सेड इफ दिस डिफिनेशन बी कंडक्ट, डिफिनेशन का मतलब परिभाषा, करेक्ट मीन सही, यदि यह परिभाषा सही है, कौन सा जो मैं कहा गया ऊपर में, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि भारत के बहुत से राइटर ने दिखाया, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मीन्स जैसा कि और लेखकों ने लिखा, तो इस आधार पर देखा जाए तो किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग सभ्य हैं, एंड दिस इज एज इट शुड बी, इसलिए यह जैसा है उसे उसे रहने देना चाहिए। कहने का सेंस क्या है, बाहर के लोग भले कहते हैं इंडिया की सभ्यता ठीक नहीं है,
इंडिया के लोगों में बदलाव नहीं लाया जा सकता है, लेकिन यह तो हमारा मेरिट है, यह हमारा गुण है, एंड वी कैन नॉट चेंज इट, वी डेयर नॉट चेंज इट, और इसे बदलने का हमें साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है। और गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन कभी नहीं हुआ, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। अंडरस्टैंड, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देख रहे हैं, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, बाय।